जय हिंद साथियों, वनपाल और वन रक्षक के क्वेश्चन लिख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहाँ बनती है? जयपुर, उदयपुर, किशनगढ़, चूरू। किशनगढ़ दोस्तों कहाँ पर है? अजमेर में है। और राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां बनती है जयपुर में, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या करा है? अगला है कि राजस्थान में बीड़ी बनाने की सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है? बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना, हालांकि बीड़ी एक नशा है लेकिन फिर भी करना आवश्यक है बूढ़ों के लिए, तो सरकारी कारखाना कहाँ पर है? टोंक में, बूंदी में, झालावाड़ में, कोटा में। तो इसका आंसर होगा टोंक, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या करें? अगला है कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों के चार वंश परमार, चालुक्य व चामान है, तो वो क्या है? सूर्यवंशी है, अग्निवंशी है, रघुवंशी है या चंद्रवंशी है? तो वो दोस्तों अग्निवंशी है, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही होगा। अगला है कि गुल्लर का लुदान कहाँ स्थित है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, भरतपुर। गुल्लर का लुदान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा जोधपुर, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही होगा। अगला है कि अवामहल कहाँ स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर। दोस्तों अवामहल कहाँ पर होगा आप सभी को पता होगा, जयपुर में होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही होगा। और प्रताप सिंह ने अवामहल का निर्माण करा था, प्रताप सिंह। दोस्तों मैं मऊ से लिख रहा हूँ इसलिए दोस्तों कुछ मिस्टेक हो रही है, इसलिए माफ़ करना। अगला क्वेश्चन है कि बयाना का प्राचीन नाम क्या था? हाड़ौती, श्रीपंथ, कोठी, विराट। बयाना कहाँ पर है? बयाना भरतपुर में है। और उसका प्राचीन नाम क्या है? उसका प्राचीन नाम हो जाएगा श्रीपंथ, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला है कि राजस्थान के पूर्वी द्वार भरतपुर की स्थापना जाट ने कब की थी? भरतपुर की स्थापना जाट ने कब की थी? 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं, 19वीं। तो इसका आंसर होगा 18वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही होगा। और जाटों का प्लूटो किसे कहते हैं? तो जाटों का प्लूटो कहते हैं सूरजमल को कहते हैं। किसे कहते हैं? सूरजमल को कहते हैं। अगला है स्वाई जयसिंह ने जयपुर नगर की स्थापना कब की थी? 1707 में, 1717 ईस्वी में, 1723 ईस्वी में, 1727 ईस्वी में। तो स्वाई जयसिंह ने है जयपुर की स्थापना की थी, ये प्रश्न बन गया। और कब की थी? तो 1723 में की थी, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि तारागढ़ किला स्थित है, तारागढ़ कहाँ पर है? बूंदी में, भरतपुर में, बीकानेर में, ब्यावर में। तो तारागढ़ हो जाएगा बूंदी में, और एक तारागढ़ कहाँ पर है? तो अजमेर में भी है। अगला है कि लोहागढ़ किला कहाँ स्थित है? लोहागढ़ जयपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में, अलवर में। तो लोहागढ़ भी आपका हो जाएगा भरतपुर की राजधानी, अरे भरतपुर की राजधानी भरतपुर में, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही होगा। अगला है कि अजयपाल किसके संस्थापक थे? अजयपाल अलवर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर। तो अजयपाल किसके थे? अजयपाल जो हो जाएगा अजमेर, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही होगा। अगला है कि नाथद्वारा मंदिर का निर्माण किसने कराया? जनमाजे ने, राज सिंह ने, राणा सांगा ने, महाणा कुंभा ने। नाथद्वारा कहाँ पर है? नाथद्वारा है राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में है। और राजसमंद में होने के कारण राज सिंह ने राजसमंद का निर्माण कराया, तो नाथद्वारा मंदिर का निर्माण भी किसने कराया? राज सिंह ने कराया, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही होगा। अगला है कि राज्य का एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ स्थित है? कैथून में, कैकड़ी में, जहाजपुर में या बांकलिया में। तो भारत का या राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ पर है? कैथून में है। और कैथून कहाँ पर है? कोटा में दोस्तों, शिक्षा नगरी कोटा। अगला है कि उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना कब की थी? 1554 ईस्वी में, 1559 ईस्वी में, 1577 ईस्वी में, 1589 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा 1559 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही होगा। अगला है मोती महल नामक प्रसिद्ध स्थान किस नगर में है? जयपुर में, बीकानेर में, कोटा में, जोधपुर में। मोती महल कहाँ पर हो जाएगा? जोधपुर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही होगा। अगला है कि राजस्थान प्रांत के लिए वर्तमान नामकरण राजस्थान किसने दिया? कर्नल टॉड, बीबीलाल, मैक्स मूलर या रोमिला थापर। तो दोस्तों वर्तमान नाम है राजस्थान, इससे पहले कहते थे राजपूताना और अब कहते हैं राजस्थान। तो राजस्थान नाम वो किसने दिया था? वो कर्नल जेम्स टॉड ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन रहे थे? टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, मोलार शुकाड़िया, हरदीप जोशी। तो दोस्तों राजस्थान के जो सर्वाधिक समय तक जो मुख्यमंत्री रहे थे वो रहे थे मोहनलाल शुकाड़िया, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही होगा। अगला है कि राजस्थान का एकीकरण कार्य का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, महात्मा गांधी जी को या हीरालाल शास्त्री को। दोस्तों भारत का एकीकरण में भी जो सर्वाधिक योगदान है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है और राजस्थान के एकीकरण में भी इन्हीं का है, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही। अगला है कि मुर्दों का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रांगे राघव, संबुदयाल सक्सेना, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन। तो मुर्दों का टीला नामक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे रांगे राघव, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही होगा। अगला है कि राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला कौन सा है? दोस्तों इंपोर्टेंट लगा जाना, अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर होगा उदयपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उदयपुर, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही होगा। अनुसूचित जनजाति यानी कि ST, दोस्तों ST शेड्यूल ट्राई, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के क्वेश्चन आंसर, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।